स्ट्रक्चर लेवलोटीन्शरी स्ट्रक्चर फर्स्ट द कॉन्टेंट्स टर्शरी स्ट्रक्चर बॉन्ड्स इन्वाल्व इन टर्सरी स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर हैविंग टर्सरी स्ट्रक्चर्स जी सब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें टर्शी स्ट्रक्चर्स दे आर एट द थर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन होल्डिंग सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर चेन है सेकेंड स्टेप के ऊपर लीनियर चेयर कि डिफरेंट फ्रैगमेंट्स या डिफरेंट रीजन अपने अपने तौर पर फोल्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब जो पूरी पोली चेन है उसने इकट्ठे फोल्ड होना है पूरी पोली चेन के इकट्ठे फोल्ड होने का नाम जो है वो टर्शी स्ट्रक्चर है तो वी कैन से टर्शी स्ट्रक्चर इज द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ इट इज़ द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ आ पोली चेन इनटू थ्री डायमेंशनल फॉर्म ओवरऑल जब फोल्ड होकर एक थ्री डायमेंशनल प्रॉपर शेप टेन करेगी प्रोटीन उसका हम जो in है इसका टर्स स्ट्रक्चर कहेंगे देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर इन्वॉल्व इन टर्सिट स्ट्रक्चर्स टर्स स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं आयनिक बॉन्ड्स हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन हैं एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं यह अगर हम देखें हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन अपने सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं आयनिक बॉन्ड्स अब चूंकि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो चार्ज रखते हैं अगर नेगेटिव चार्ज रखने वाला अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड के सामने आ जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरम्यान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द आयोनिक बॉन्ड होगा हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो वाटर रिपेलेंट हैं उन अमाइनो एसिड को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स अब जब कोई भी प्रोटीन चूंकि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो एक्वेट्रिक इन्वायरमेंट है वाटर इन्वायरमेंट है जो हाइड्रोफोबिक मायनोसर्स होते हैं दे ट्राई दैम सेल्स टू बरी विद इन द प्रोटीन मालिक्यूल तो प्रोटीन के अंदर जो स्पेशली वो प्रोटीन जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर रहनी होती हैं उनके अमानोसर्स कोशिश करते हैं हाइड्रोफोबिक मायनोसर के वो कहीं प्रोटीन के दरम्यान में आ जाए ताकि बाहर से उन्हें ऐसे वाकई मायनोसर कवर कर लें और वो वाटर उन तक ना पहुँच सके जब बहुत सारे अमासर्स चूंकि प्रोटीन में बहुत सारे हाइड्रोफोबिक मायनोसर्स होंगे जब वो बरी होती हैं तो उनके दरमियान एक आपस में करीब आने से इंट्रैक्शन डेवलप होता है जिसको हम हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कहते हैं जिससे डाइट सल्फाइड इन द दर्श स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हर प्रोटीन के अंदर एक टर्स जो जितनी प्रोटीन्स हैं जब भी फोल्ड अप होती हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद उनमें ट्रस्टर स्ट्रक्चर मौजूद होता है कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं विच आर मेड अप ऑफ ऑनली वन पोलिपेप्ट चेन अब जो एक ही पोली चेन से बनी होती हैं उनके अंदर टर्स स्ट्रक्चर रिटेन रहता है यानी उनका जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो टर्शरी स्ट्रक्चर होगा किन प्रोटीन्स के लिए जिनके पास एक पोलीपेप्ट चेन है अलबत् जिन प्रोटीन्स के पास एक से ज़्यादा पोलीपेप्ट चेन्स हैं वो फिर टर्शरी के बाद कॉटन स्ट्रक्चर बना देती हैं तो इसलिए उनका फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होता अभी उनमें फर्दर जो है वो अप होना होता है तो यहाँ हमारे पास मायोग्लोबिन अगर हम देखें जिसने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेकर आगे टिश्यूज़ को पहुँचानी है सेल्स को पहुँचानी है जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद है तो मायोग्लोबिन जो है इस वन पो एक पोलीपेप्टाइड चेन के ऊपर कंसिस्ट करती है इस वजह से इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो टर्श स्ट्रक्चर होगा इससे जो आई है सराइवे एम यानी हमारे जो सराइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एनजाइम है एम जिसको हम टिपिकली टाइलिन कहते हैं दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ वन पोलीपेप्ट चेन तो जो टाइलिन है या एम है वो भी एक पोलीपेप्ट चेन का बना होता है और उसका भी जो फाइनल या फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी अ टर्श स्ट्रक्चर